हाँ, what was I about to say? देखो ऐसे ही शूट करती हूँ सब. नहीं, जो जो आयरन करना पसंद नहीं करते, हाई फाइव. ऐसे देखो, yeah, not ironed at all. Oh, आज हिंदी ब्लॉग है, ठीक है, ओके. तो शुरू करते हैं. वेलकम एंड वेलकम बैक टू लूना योगिनी चैनल. आज बहुत बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत 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 स्पेशल गेस्ट है और अभी वो पीछे में छुपा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे. आ जाओ अभी. तो नहीं, इतना भी सामने नहीं आ रहा. ये है नयान. नमस्ते. बोलो नमस्ते. 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 तो ये मेरा दोस्त है और हम लोगों ने यहाँ से फिर शांति निकेतन से क्या बोलते हैं, मीट हुआ. मीट नहीं, हिंदी ब्लॉग है. अच्छा, मुलाकात हुआ था. हाँ, हमारा मुलाकात यहीं से ही हुआ था. और अब वो क्या करते है, ये कलाकार है. ये स्कल्प्टर है. तो यहाँ के जो फाइन आर्ट्स के कॉलेज है ना, कला भवन, वहाँ पे मुलाकात हुआ था. तो अभी तो वो अभी यहाँ पे पढ़ाई सब खत्म हो गया ना, इसलिए वो नहीं थे. और कुछ दिन पहले आए हैं शांति निकेतन में और इसलिए आज हम एक साथ हैं और ये रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं. हाँ, तो दोस्तों आज हम ना क्या करेंगे, आज इनके कल्चर के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है. तो वे आए हैं असम से और असम तो इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और असम के बहुत सारे ट्राइब्स हैं और उन ट्राइबों के अंदर कुछ राजवंशी ट्राइब है और वो आपका ट्राइब है ना. तो आज हम उनके सजेशन से एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है जो कोच राजवंशी के बारे में हम जान सकेंगे. सही बोल रही हूँ? ठीक है. तो अभी हम वो रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो अभी हम एक साथ देखते हैं. ठीक है, चलो हम देखते हैं. नौ जुजोर रनुआ वो गाने का नाम है, टाइटल. ये नानी के वॉइस लग रहा है यहाँ पे. मतलब ऐसा ये जो बिगिनिंग, मतलब आराम जो बिगिनिंग का जो पोर्शन है ना, इतना अच्छे से मतलब एक सीन क्रिएट किया ना. मतलब एक ये हम लोग यूजुअली मतलब राजवंशी लोग जैसे कि मतलब वो कुकिंग जो करते हैं मिट्टी का वो बना के, जो हम लोग साउका बोलते हैं, तो ये उसमें मतलब जो सीन दिखाया ना, कितना एक मतलब मुझे मतलब ऐसा चाइल्डहुड मेमोरीज का याद आया. जैसे कि मैं, हम लोग पहले ऐसे मतलब ऐसा ऊट से हम लोग ऐसा फायर करते थे ना, तो वो सब मतलब इतना पहले से मतलब वो फ्लैशबैक हुआ. मतलब अभी ये सीन देख के, मतलब इतना टच किया ना वो चीज, तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया. बहुत अच्छा, वो बहुत आर्टिस्टिक एक फील आया ना देख के. मतलब एक स्मोक उड़ रहा है और जो सच्ची में होता है वो ही है ना यहाँ पे. और उसको बहुत रोने से आया, बहुत सुंदर से प्रेजेंट किया. ओके, देखे. हाँ चलो स्टार्ट. ताना तानी, ये बंगाली जैसा है. जो वो दिखाया ना एक पहले जो टेम्पल से दिखाया ना, वो कोच राजवंशी का मतलब वो राजा का महल है. तो ये हेरिटेज प्लेस है. ये मेलोडी बहुत अच्छा लग रहा है.
ये जो राजा का ये दोनों राजा है इसने डायनेस्टी को बनाने में उस टाइम मतलब बहुत अपना योगदान निभाया था इसी मंदिर शंकर जी ये जो सीला वाला पोस्टर ये जो बोला कि शेर सिला रहा है मतलब वो एक राजा है जो उस राजा का नाम है राजा का नाम है वो सीला मतलब वो बर्ड को बोला जो ईगल को तो वो ईगल के साथ उसको मतलब कंपेयर किया क्योंकि वो जब फाइट करते थे मतलब बहुत ऐसा तेज मतलब वो फाइट करते थे मतलब बहुत इतना तेज है तो इसीलिए उसको मतलब एक टाइटल दिया गया है सिला रहा है सिला है उसका नाम सब राजे के राजा का जो मतलब फोटो से see this is there is like inscription you know in our tribes yes sir inscription sir wow matlab jo hum log culture mein jo usually hota hai na wo sab bhi dikhaya hua hai ye dekho ye matlab ek movement hota hai matlab jo uske side mein dikha na wo sab matlab dikhaya yahan pe kitna matlab pur kya hai ye jagah ka naam hai ek kamata land hai wo jo rajvanshi log मतलब उसमें वो बिलो करता है मतलब डिजर्व करता है वो उसका ही है इसमें मतलब बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है ना वो सब मतलब दिखा रहा है मतलब जो यहाँ दिखा ये यहाँ पे तुम्हारा भी घर दिखता है इस म्यूजिक वीडियो में नहीं यहाँ पे मतलब ये पूरा लिविंग स्टाइल है जो कैसे रहते हैं वो लोग उन लोग का डेली एक्टिविटी क्या होता है वो सब कुछ दिखा है इसमें कल्चर कैसा है और ये ड्रेस कैसा होता है हम लोग ये जो चाइल्डहुड में मतलब बच्चे कैसे खेलते हैं वो सब दिखा है इस गाने में मतलब पूरा इंटायर कल्चर को रिप्रेजेंट किया है इसमें tribal dance बहुत अच्छा लगा ये पूरा वो जो क्रेडिट्स का होगा ना बहुत सारे लोगों ने किया ना बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया क्योंकि एक मिनट अभी बाकी है ना मतलब बहुत मेहनत करके बनाया है इतना लोगों को मतलब टुगेदर करना गेट टुगेदर होना ना कितना एक्सपेंस भी होगा ना बाहर से लोगों को बुलाना और ये सब संभालना भी ना ये ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है बहुत हमारे रिएक्शन में कोई प्रिपरेशन नहीं होता है तो मुझे ये वीडियो
इतना बढ़िया लगा क्योंकि जो मैं कह रहे थे मुझे हा हा ना 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 ये पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गंभीर टॉपिक को भी बहुत ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट किया, और जो वो मेलोडी है ना वो वाला ना इसको बहुत लाइट बना दिया। हाँ कैची है ना, हाँ कैची है। पता नहीं मैं असम सोचती हूँ ना, सिर्फ मैं बिहू जानती हूँ, बिहू डांसिंग या असमीज लैंग्वेज थोड़ा बहुत बंगाली जैसा है इतना ही मालूम है, पर इतना डीपली वो ट्राइब्स के बारे में तो कितना ट्राइब्स है आपके असम में? असम में ऐसे बहुत ट्राइब है लेकिन 18 शायद मेजर ट्राइब्स है, उसमें से राभा बोरो बहुत सारी तीवा और कोच राजवंशी बहुत सारा ही है, मतलब तो बहुत सारे कल्चर्स है और हम आप एक साथ रहते हैं। तुम्हारे यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स मैंने देखा है, क्योंकि मुझे तो ये सब कॉस्ट्यूम्स देखना बहुत अच्छा लगता है, मैंने नोटिस किया कि ग्रीन एंड येलो इसका कॉम्बिनेशन मेन है ना, मेन है। ओके तो हम देखेंगे थोड़ा, तो हम सर्च करते कोच राज ग्रीन और येलो, इसको क्या बोलते हैं? इसको पातानी बोलते हैं। पातानी, हाँ मुझे जो अच्छा लगा वो है कि वहाँ पे ये तो कोच राजवंशी के कल्चर दिखा रहे हैं ना, पर वे लोग बहुत इंक्लूसिवली बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला है कि लेट्स कम टुगेदर एज अ नेशन, ऐसे कुछ था ना। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ अपने ट्राइब में फोकस ना करके ऐसे सब लोगों को एक साथ चलो, और उस टाइम में वो जो हाँ हाँ ऐसे वाला जो मेलोडी, तो मुझे अंदर में बहुत अच्छा फील हुआ, तो मैं मुझे भी लगा कि मैं भी एक पार्ट हो गई और मैं भी उस उनके कल्चर में डूब गई और एक साथ हम गा रहे हैं, ऐसे वाला फीलिंग मुझे ऐसे लगा। अच्छा। इतना मतलब सब कुछ इतना अच्छे से नरेशन हुआ है। हाँ, हाँ। जो हम लोग का जो कल्चर है सब चीजों को मतलब इतना अच्छे से एक 4-5 मिनट्स वीडियो में पूरा इंटायर मतलब कल्चर को उसका रहन सहन वो सब मतलब उसमें दिखाया ना, वो इतना पोएटिक है, मतलब इतना मतलब मुझे अच्छा लगा वो जब देखा था मैं, मतलब जो स्टोरी टेलिंग होता है ना दो वर्ड्स में मतलब सब कुछ बता दे रहा है, हाँ, तो हाँ। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा उस वीडियो में, तो इसीलिए मतलब मैं आपको सजेस्ट किया कि आप हाँ, मुझे मैं भी बहुत ऐसा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप मतलब वो किए, जो राजवंशी हैं इतना अच्छा मेलोडी बनाया, इतना अच्छा सच्ची में इतना लिरिक्स इतना अच्छा किया, और जो एक भैया है जो कोस देवी दी और बोल के वो भैया मतलब इतना मेहनत करके वो टाइम दिया, हाँ, वो हाँ, हाँ, सब हाँ, कुछ अरेंज कर उनका बहुत अच्छा मतलब रोल है, आइडिया है ना, तो ये सब मतलब आदमी जो म्यूजिक वीडियो के पीछे मतलब ये आदमी लोग है जो मतलब कंट्रीब्यूशन दिया इस गाने को बनाने के लिए ना। हाँ हाँ। तो मैं मतलब बहुत ऐसा ब्लेस्ड फील करता हूँ और मतलब एक वरदान फील किया कि हाँ ये सब वीडियो एक चाहिए, मतलब जो इसमें सब टाइटल भी कितना अच्छे से दिया ना, कितना मतलब जैसे कि आप कोरियन हो फिर ओके फिर मतलब वो सब पढ़ के आपको हाँ, मतलब कनेक्ट किया और चीजों को फील कर रहे हो ना, एक अच्छा वीडियो बना है, मतलब ये अच्छा लगा देख के, इसलिए मैं मतलब आपके पास आया कि आप भी फिर आप हो गया तो मैं भी आप बोलूंगा, ठीक है। धन्यवाद जी, आप आए हैं मेरे पास जी, मैं बहुत धन्य हूँ और आई एम ऑनर्ड दैट मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ ये, और उनको भी पता चले, क्योंकि मुझे लगता है पूरा इंडिया के लोग, इतना बड़ा है इंडिया कि सब जानना मुश्किल है, नामुमकिन है, पर ऐसे थोड़ा 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 करके तो हम पूरा भारत को थोड़ा थोड़ा तो जान सकेंगे ना। हाँ तो वो कोशिश, ओ फिर अलार्म बंद हो जाओ, नहीं हो रहा है, बक बक कर रहा है। मेरा कंट्री कोरिया है पर मैं अपने आप को भारतीय भी समझती हूँ मन से, तो मैं सिर्फ भारत और कोरिया नहीं सब कुछ जानना चाहती हूँ, पर हाँ मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ
तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ बहुत है ना, मैं जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है हम सब लोग एक साथ मिलके ऐसे कोशिश तो कर सकते हैं, थोड़ा और जानो, थोड़ा और जानो, थोड़ा और फील करो। तो मुझे लगता है आज का वीडियो इसलिए हमने डिसाइड किया बनाए ना। तो आई होप को क्या बोलते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, हाँ मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी, ओ हाँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया। तो टेबल हिल रहा है, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आया है और आज आप लोगों ने भी कुछ सीखा, मैंने जैसे सीखा। मुझे लगा कि ऐसे बेसिकली असमीज लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू बंगाली ना। तो आज देखेंगे कुछ राजवंशी डायलेक्ट में, ये अभी मुझे कुछ पूछेंगे तो अगर मुझे समझ में आता है तो मैं उसका जवाब बंगाली में दूंगी, ठीक है? ओके चलो बताइए। आज की दिया भात खाई छो? आज की आमी आलू भाजा और भात खेच। अच्छा हाँ ठीक बोला, हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तक घुमा भी व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू स्लीप ना? आमी 12টার সময় মিডনাইটে ঘুমাবো। আচ্ছা আর কয়টা উঠবি সকালে? ও व्हाट টাইম উইল ইউ ওয়েক আপ? হ্যাঁ আমি মিথ্যে কথা বলবো এখন, আমি 6টার সময় উঠবো। হ্যাঁ আমার ল্যাঙ্গুয়েজ মে মতলব যে মহা এক স্লোগান হ্যায় হাম লোগ এসে বলতে হ্যায় কি এক মতলব कोटेशन जैसा है, जोय माओ को मोता बोल। क्या आप मतलब अपने कोरियन लैंग्वेज में क्या कैसे उसका साउंड कैसा होगा अगर आप बोलो? हाँ जोय मतलब तो विक्ट्री ना, मतलब विक्ट्री। हाँ और माओ, माओ मतलब मदर, माओ मदर कमता पुर जलैन कमता पुर। तो ये कोरियन में क्या होगा ना, कैसे साउंड आएगा, कैसे साउंड आएगा? कमता पुर ए ओमोनी ये सुन्निरु विहाया, ये बहुत बहुत लंबा हो गया। कमतापुर, कमतापुर ए, कमतापुर ए ओमोनी में, ओमोनी में सुन्नी, सुन्नी, सुन्निरु, सुन्नी, सुन्निरु, रुल, 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 हाँ सुन्निरुल विहायो, विहायो, विहायो। तो एक बार और कमतापुर ए, कमतापुर ए ओमोनी ए, ओमोनी ए सुन्निरे, सुन्निरे विहायो। मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ ये बहुत अच्छी मतलब वो यूट्यूबर अभी है, अभी और फ्यूचर में और अच्छा करने जा रही है। नहीं ये सब नहीं, इतना मत बोलो। जब मैंने पहली बार दासुम को मिला था, हाँ, मतलब हाँ, दासुम मेरा कोरियन नाम है, ठीक है जी, और लूना मेरी निकनेम है। तो मतलब बहुत ऐसा पॉजिटिव मतलब फील हुआ कि वो जैसे बात करती है लोगों से, मतलब बहुत इंस्पायर हुआ, मतलब मैं उसको इतना पॉजिटिव मतलब, और वो जितने बार मिला था मैं उतना बार ही मतलब पॉजिटिव ही लगा, मतलब इतना मतलब वो चीज मतलब ऐसा लगता है कि उसके हार्ट से निकल रहा है, मतलब सब कुछ मतलब अंदर से मतलब वो दिखता है, मतलब जैसे लोग जैसे फील करता है ना अंदर, वो उसके चेहरे में वो आ जाता है। अगर कोई मतलब एंजाइटी में रहता है तो वो चेहरे में आ जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है पूरा हैप्पीनेस एक कैप्सूल है, मतलब ओह माय गॉडनेस। जब से मिला हूँ अभी मैं उसके साथ ये वीडियो चल रहा है, हाँ। तब से मतलब वो मतलब हंसी जा रहा हूँ मैं, मतलब मैं इतना हंसता नहीं हूँ एक्चुअली, मतलब जब से मिला हूँ। हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मतलब मुझे इनवाइट किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमने आया है यहाँ पे आज, मतलब ये दिन मतलब वन ऑफ माय ब्लेस्ड डे। मी टू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मतलब ये एक्सेप्ट किया, मैंने बोला कि इस गाने के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाए, तो वो बहुत बिजी रहती है अपने अपने काम को लेके, सब लोग ही बिजी हैं, तुम भी बहुत बिजी हो। बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू, और सब बोर्ड हो गए अभी। थैंक यू सो मच, चलो सब लोगों को
भी बहुत बहुत शुक्रिया और नयन को भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच्ची में आज वो जो ब्लेसेड फीलिंग्स वो बोल रहा है, मुझे भी फील हो रहा है आज। और सच्ची में वंस अगेन थैंक यू। तो आपको यदि यदि नहीं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करें? सब्सक्राइब करें, इतना फैलाए 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 हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मोहल्ले में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा मुझे भी। ओके ओके, बाय बाय।